सबको जैसे लग रहा होगा कि लीव कर दिए स्पोर्ट्स हमने, या हाइड्रा ने, या ऋषभ पिया ने, या रैत वगैरह, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स किसी ने लीव नहीं किया है कुछ, बस वो जैसे कि कोई क्लैन व्लैन होता है ना, तो उधर से कोई बंदे लीव करते, तो वैसे हमने भी लीव किया है हाइड्रा से, बस स्पोर्ट्स लीव किया है हाइड्रा स्पोर्ट्स लाइक, ठीक है। बाकी ऋषभ भैया और रैत भैया वो जो है हाइड्रा में, वो तो परमानेंट है ही, उनका तो वो तो है ही। और बाकी हमारी टीम भी अभी है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अब एज अ टीम, ठीक है, आगे खेलेंगे, अलग नेम से ही सही, बट आगे खेलेंगे। और बहुत मतलब फुल भाई, अभी तो फुल जान लगा के खेलेंगे पूरा, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे अपने, जो भी गलती वलती की हमने BGIS में, हमको सबको पता है क्या क्या गलतियाँ हुई बाकी, ठीक है, वो सब पे वर्क करेंगे। एंड BGMI नहीं, ठीक है चलो, उसके वो नहीं हुआ, ठीक है चलो, लेकिन बाकी जितने टूर्नामेंट्स हैं हम लोग 100% ट्राई करेंगे, पूरा #3 के अंदर 100% ट्राई करेंगे सब में, #3 के अंदर पूरा, इतना मतलब फुल मेहनत भाई। चाहे चलो कोई नहीं, BGIS नहीं हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई अभी जितने जो है अपने टीम पे पहले वर्क कर लेते हैं बिल्कुल बढ़िया से, एंड देन वी विल स्टार्ट। एक सेकेंड, सॉरी, सो देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। मस्ती मस्ती, हाँ ब्रो मस्ती, क्वालिफाई हो गए, बहुत बहुत देखा, बहुत मस्त भाई, मज़ा आ गया गेम। सो मैं क्या बता रहा था अपने बारे में, कि जैसे हमारी कुछ कुछ गलतियाँ हुई थी गेम्स में, चलो वो तो बात की बात है, वो अपने पे हम वर्क करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर। एंड बाकी और भी बातें हैं मेरे को शेयर करनी थी आप लोगों से, कि जैसे कि सबको पता है कि मैं पहले ई में था, स्पोर्ट्स एम्पायर में था, ठीक है, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था जब मेरे साथ जो बीच में इंसिडेंट हुआ था ये हैकर वैकर का, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता था कि भाई इतने साल से ये खेल रहे, ये वो इतने टूर्नामेंट में ऐसे वैसे आते हैं, इनको पैसे। तो मैं पहले बता दूँ, 2 साल से मैं, शायद 2 साल से भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, गेम्स का तो चलो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 2 साल से लगभग लगभग मैं ऐसा कॉम्पिटिटिव खेल रहा हूँ, ठीक है, मतलब पूरे अच्छे से सीरियस वाला, ठीक है। और जब स्पोर्ट्स एम्पायर में था लगभग, नहीं भी तो 1 साल हो गया रहेगा, ठीक है, उधर से 1% भी हमने सैलरी, कुछ हमें कुछ उधर से सैलरी, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही था सैलरी वैलरी नहीं मिलने वाला, बट उधर से हमें कुछ ना सैलरी मिला ना टूर्नामेंट। अब कहीं भी हमें कोई भी टूर्नामेंट पे हमारा नेम दिखा दो कि हमने ये टूर्नामेंट जीता है, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, एक टूर्नामेंट शायद जीता था स्पोर्ट्स एम्पायर से, कुछ 750 रुपीज़ हमें मिले थे, ठीक है, एक हमें, जैसे मेरे को 750 रुपीज़ मिला था, ठीक है, सबको पता है, तो देन वो हुआ था, ठीक है। तो एंड उसके बाद भी सैलरी वैलरी मेरे को आज तक कभी नहीं मिला है, ठीक है, अभी भी नहीं मिला है। तो बीच में याद है अपथ्रस्ट में हम रणभूमि में हम आए थे #2, ठीक है, उसमें हमने PP जीता था, और अपथ्रस्ट के मैनेजमेंट से हमें बताया गया था कि 45 to 60 days में, पहले तो बोले थे 45 days में हमें प्राइज़ मनी आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद 10 से 12 या 15 दिन के बाद हमें पता चला कि नहीं, लोगों की तरफ से हमें पैसे आने वाले हैं, वो भी 45 to 60 days लगेंगे, ठीक है, चलो वो भी बोला, ठीक है चलो हमने वो माना, ठीक है। बट फिर अभी पता चल रहा है कि 90 days में मिलने वाले हैं, ठीक है, इसका एक बहुत ज़्यादा इशू होता है जैसे, और सबको सब बोलते हो ना आप लोग कि बूट कैंप जाओ बूट कैंप जाओ। गाइस देखो, तुम 2 साल से खेल रहे हो, ठीक है, और तुम्हें अगर कुछ मिले ही ना सैलरी के नाम पे, कुछ फैमिली को मतलब कुछ पता ही नहीं कि भाई अगर मेरे को सैलरी मिलता पहले, ठीक है, स्पोर्ट्स एम्पायर में रहता तो मेरे को अगर सैलरी मिलता ना, 1-2 महीने ही सही सैलरी मिलता ना, तो मैं आज बूट कैंप में होता फॉर श्योर, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए रहता कि मेरे को पेरेंट्स के लिए दिखाने के लिए रहता कि हाँ मेरे को यहाँ सैलरी मिलता है, हाँ मेरे को यहाँ इतना कुछ फैसिलिटीज़ मिलता है, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ, मेरे को और अच्छे से मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, वो मैं दिखा सकता था। बट अभी अभी तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, और फैमिली भी मतलब सबको पता है कि भाई फैमिली ऐसे नहीं मानती बोलने से, ठीक है। मैं फिर भी बहुत ट्राई किया था बूट कैंप के लिए कि
मतलब बहुत कुछ मिलेगा आगे अगर ऐसा ऐसा हो गया तो। मैं सब कुछ बताया था अच्छे से, पूरा क्लियरली सब कुछ बताया था पापा को अपने, बट बोले नहीं अभी नहीं, वो तो इशू हो गया छोड़ो बाकी। और मेन रीज़न यही था मेरा कि मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा इसकी वजह से, क्योंकि मेरे को भाई पहला बात तो मेरे को कुछ ना, मेरे को मैं 2 साल से लगातार खेले जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी खेले जा रहा हूँ। हम क्वालिफाई पे क्वालिफाई कर रहे थे स्पोर्ट्स एम्पायर पे, तो हम क्वालिफाई पे क्वालिफाई कर रहे थे, हमें कुछ भाई कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी हम खेलते खेलते गए, भाई कितना बुरा लगता है आप लोगों को पता नहीं, पता एक मतलब उसके इतना करने के बाद भी, प्लस अभी पीपी मिला भी नहीं है ठीक है, वो तो और बुरा बुरा लगा, मतलब क्या ही बोलूँ। उसके वजह से मुझे और बुरा लगा कि भाई अभी भी हमें पीपी नहीं मिल रहा है। पहले बोला गया कि चलो 45 डेज, अभी 60 डेज क्रॉस हो गए शायद, फिर भी हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो वो एक बुरा लग रहा है, वो शेयर करना था। उसके वजह से भी पता है प्रेशर रहता है कि यार कभी कभी सोचता रहता हूँ कि यार कभी कुछ तो मिलता नहीं है, सैलरी वैलरी तो मिल नहीं रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने क्या सबने ट्राई किया था सैलरी का डिवाइस का, सबको बस लगता है कि भाई ये डिवाइस नहीं लेता ठीक है। मैं इतना बहुत ज़्यादा ट्राई किया हमने कि हमें डिवाइस मिल जाए कहीं से कुछ ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, देखते हैं आगे क्या होता है ठीक है, ये शेयर करना था। एंड बाकी गेम्स की जैसे मैंने बता दिया कि हम